नमस्कार, मैं आरसी सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअली बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने पर राज्यों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की। चौथी लहर को लेकर मंथन, पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग, पीएम ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिया जोर। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चौथी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी लहर को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया। 96% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज, 15 साल से ज्यादा उम्र के 85% लोगों को दूसरी डोज, मार्च में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए को वैक्सीन की मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिया जोर। पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने पर जोर। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण, यह हमारी प्राथमिकता है। कोरोना पर मंथन के दौरान पीएम मोदी ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की अपील के बाद भी कई राज्यों ने वैट नहीं घटाया। झारखंड समेत कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीएम की मीटिंग में वर्चुअली मौजूद रहे, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की पीएम की अपील स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर बुलाई गई बैठक में स्वास्थ्य पर कम, पेट्रोल डीजल पर ज्यादा चर्चा हुई है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज्यादा उन्होंने कर दी, और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बन के ये रह गई। झारखंड की सरकार को टैक्स कर कम करके, वैट कम करके, उस पेट्रोलियम पदार्थों में, पेट्रोलियम डीजल्स ऐसी चीजों में दाम और कम करना चाहिए था, लेकिन राज्य की सरकार नहीं कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम ने वैश्विक संकट में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की। अब देखना होगा कि पीएम की इस अपील का कितना असर होता है। झारखंड की जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से कब राहत मिलती है? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बताते हैं कि राज्यों में वैट का हाल क्या है। पेट्रोल डीजल पर आखिरी राहत केंद्र ने 6 महीने पहले दी थी, तब से अब तक करीब 20 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। उस वक्त जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया था, उसमें तेलंगाना, आंध्र, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु शामिल हैं। अब यहां के वैट की बात करें तो तमिलनाडु में पेट्रोल पर 13,
डीजल पर 11% टैक्स है। झारखंड में पेट्रोल पर 22 और डीजल पर 22% टैक्स है। वैट नहीं घटाने वाले राज्य में सबसे कम पेट्रोल वैट के मामले में झारखंड दूसरे तो डीजल के मामले में चौथे नंबर पर है। वहीं वैट घटाने वाले राज्यों में असम 33, राजस्थान 32, एमपी 29, ओडिशा 28 जैसे राज्य हैं। यानी झारखंड में पहले से बाकी राज्यों के मुकाबले वैट कम है। राज्य सरकार का भी यही तर्क है कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहां टैक्स पहले से कम है, फिर भी अगर केंद्र को जनता की इतनी चिंता है तो सीधे ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज देखिए, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें रोजाना आप देखिए गाये बगाये बढ़ाई जाती हैं कीमतें, लेकिन देखिए वैट घटाने को लेकर या फिर कीमतें डायरेक्टली घटाने को लेकर राज्य और केंद्र एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे हैं। और इस बार भी जो खबर है वो भी यही है कि भाई केंद्र ये कह रहा है कि वैट नहीं घटा रहे, जबकि झारखंड पर्टिकुलर झारखंड की बात करें तो कहना झारखंड का ये तर्क है कि बाकी राज्यों के मुकाबले यहां पर वैट कम है, अगर ये इतनी चिंता है तो आप जीएसटी में लेकर आइए ईंधन को। बिल्कुल, ये बहस छिड़ी है कल जब प्रधानमंत्री ने कोविड के लिए बैठक बुलाई थी और कोविड से बातचीत फिसल कर पेट्रोल डीजल की रेट और महंगाई पे पड़ गई है कि आईएमएफ ने भी एक आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक भारत में महंगाई की जो वजह है वो पेट्रोल डीजल की अनियंत्रित कीमत है और उसमें रसोई गैस भी शामिल है, जो अब बहुत चर्चा हो चुकी कि विश्व में सबसे ज़्यादा रसोई गैस की कीमत भारत में ही है। तो कुल मिला करके आप किसी भी तरह की महंगाई को अगर आप टेस्ट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि उसका सीधा सीधा कारण पेट्रोल डीजल की कीमत है। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम आप ऑफिस आते हैं घर से, वो आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 बार बढ़ी हैं। अभी हाल फिलहाल अगर आप देख लें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो कीमतें स्थिर थी कि अचानक जब 80 पैसे रोज की दर से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते बढ़ते आज झारखंड में अगर आप जो देख लें हम आप तो अभी दो महीने पहले एक डेढ़ महीने पहले ज़्यादा दो महीने अभी बोलना ठीक नहीं होगा कि पेट्रोल की कीमत 100 से अंदर ही थी, 90-92 पैसे लीटर हुआ करती थी, डीजल भी उसी के आसपास, कि अचानक अब 100 के पार आंकड़ा 106-107 रुपये तक पहुंच गया होगा। मेरे ख्याल से अब तो डर लगता है देखने में कितने का है पेट्रोल, ये देख करके इंसान की धड़कन और बढ़ जाती है। अब बहरहाल सरकार का पक्ष तो यही है जो आपने बताया ही कि हम तो सबसे कम पर हैं। डीजल और पेट्रोल की बात करें तो देश में जितने भी राज्य हैं और आंकड़ा जो अभी आप बता भी रही थी उसके हिसाब से भी सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के पास वैट कोई ले रहा है तो वो असम है जी, 32% के आसपास, और उसने 2% कम भी कर दिया है। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने रेट बढ़ा करके फिर 1 रुपए की कमी कर दी, तो ये ठीक नहीं है। और उसके अलावा जितने भी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य बिहार को देख लीजिए, तो बिहार में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें झारखंड से बहुत ज़्यादा हैं और पिछले 6 महीने से ही ज़्यादा रेट है। 100 रुपये का आंकड़ा तो जनवरी महीने में ही पूरा हो चुका था, दिसंबर महीने में ही 112-108 रुपये पेट्रोल बिक रहा था बिहार में। तो वित्त मंत्री ने एक बात, मैं मिला था उनसे इस विषय पर, तो उन्होंने ये आंकड़ा दिया था मुझे और मैंने जनता के सामने न्यूज के माध्यम से दिखाया भी था कि झारखंड सबसे कम वैट लेने वाले राज्यों में शुमार है। तो अब राज्य के अपने संसाधन, मैं राज्य सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ, जो आंकड़ा है तो आंकड़ा सच है वो बता रहा हूँ। अब रहा सवाल कि अगर केंद्र सरकार कम करती है, अगर केंद्र सरकार जिसके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो जीएसटी में इस चीज को ला दे तो जनता को राहत मिल जाएगी। और जनता बेहद त्राहिमाम की स्थिति में है, हर इंसान का बजट बिगड़ गया है, चाहे वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी हो, उसके पास कई गाड़ियां हो या एक स्कूटी हो,
या फिर वो ऑटो से चलता हो, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और केंद्र सरकार की ओर टकटकी बांध करके देख रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कल अनौपचारिक रूप से जो ट्रैक चेंज किया, कोविड में बूस्टर डोज के लिए पैसे राज्य मांग सकते थे, खर्चा फंड नहीं है सरकार के पास और कोविड की नई आहट हो रही है, इससे लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अचानक जो प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर राज्यों के द्वारा जो वैट लिए जा रहे हैं उस पर जब बातचीत की, तो इससे लोगों को लगने लगा है कि महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार की कोई रणनीति है और इसके तहत लगता है कि वो खुद भी कुछ वैट कम करेंगे, अपना टैक्स कम करेंगे और राज्यों से भी उन्होंने कल ही आग्रह कर दिया है। लेकिन यथास्थिति तो वही है कि अब यहाँ पर जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी नॉन एनडीए की सरकारें हैं वो तो कभी कम करेंगी नहीं, और नहीं मतलब अगर अगर केंद्र सरकार ने कीमतें बढ़ाई उसके बाद अगर वैट घटाने की बात हो रही है तो देखिए केंद्र अपनी बात कह रहा है कि उसके पास बहुत सारे रीजंस है, वो क्यों नहीं कम कर रहा, वो क्यों ऐसे प्राइसेस बढ़ा रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हवाला दिया जाए, कच्चे तेल में की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला दिया जाए। दूसरी तरफ राज्य ये कह रहा है कि अगर राज्य को वैट घटाने की इतनी चिंता पड़ रही है राज्यों के लिए तो जीएसटी में के दायरे में इसे लाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे कम वैट लगाया गया। यानी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहिए, पिसना जनता को ही है और पिस भी रही है जनता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, और भी मुद्दे हैं जिस पर आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए झारखंड में पहले से वैट कम है, लेकिन कल जब मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की तो उसमें ये कहा प्रधानमंत्री ने कि राज्य अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट कम नहीं किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी महंगी लग रही हैं, जबकि राज्यों में से खासकर झारखंड ने अपना पक्ष ये रखा है। राज्य का ये कहना है कि झारखंड में सबसे कम वैट दर पहले से है, और ये बाकी राज्यों में आप देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, जिन्होंने 1-2 रुपए कम वैट कर तब भी वो झारखंड से ज्यादा वैट वसूल रहे हैं जनता से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।